सो गाइस द टिप इज अगर आप ऐसी बस बुक कर रहे हैं सो यू शुड ओनली बुक द प्योर वन. एग्जैक्टली. सो हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो. तो आज हम जा रहे हैं केदारनाथ एंड आज कौन सी तारीख, आज 22nd. अभी शाम के 6 बज चुके हैं. अभी हम ट्रेवल करेंगे इन द बस, देन विल टेक अनदर बस फ्रॉम ऋषिकेश एंड उसके बाद हमने होटल पहुंचेंगे. अगले दिन सुबह हम लोग जो है यात्रा अपनी शुरू करेंगे. तो हम भी चलते हैं केदारनाथ और आपको भी लेके चलते हैं. ये रहा मेरे पीछे केशव. हाय गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. यस, एंड हरी यहीं पे है और नानी नाना के साथ है. सो गाइस वी हैव अराइव्ड इन द बस एंड इट इज द भारत बेंज, मींस मर्सिडीज के अंदर आती है. उसकी स्लीपर बस है. हमने की थी सेमी सीटर पर, वो आखिरी में कैंसिल हो गई. और अच्छा है हमारे को ये मिल गया, इट इज वेरी नाइस. तो ये है हमारा केबिन. यू कैन सी दैट यहाँ पे अपने पर्दे अपने कर्टन वगैरह टाई अप कर सकते हैं. एंड यहाँ पे एसी है, हमने ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं. यहाँ पे ऊपर अच्छा सा सॉफ्ट सा फैब्रिक है एंड यहाँ पे वापस पर्दे और यहाँ से आप दिल्ली का व्यू देख सकते हो. यहाँ पे अच्छी लाइटिंग भी रखी है, देखो एम्बिएंट लाइटिंग टाइप है. यहाँ से हम इसको ऑफ कर सकते हैं. ऑफ कर दिया एंड ऑन. सो गाइस द टिप इज अगर आप ऐसी बस बुक कर रहे हैं सो यू शुड ओनली बुक द प्योर वन. एग्जैक्टली, पूरी सीटर होनी चाहिए या पूरी स्लीपर होनी चाहिए. नहीं कि सीटर भी है स्लीपर भी, ऐसे बहुत ही कंजेस्टेड होते हैं तो सांस भी नहीं आता है. एंड दिस वन इज रियली नाइस एंड कंफर्टेबल, सो यू शुड आल्सो बुक, यू शुड ऑलवेज बुक दिस टाइप ऑफ रूम. या तो पूरी सेमी सीटर करो या सीटर करो या पूरी स्लीपर करो. उसके एंड इफ यू वांट टू गो ऑन लॉन्ग राइड्स then sleeper and semi sleeper are the best. Yes, exactly. तो हमारा कैबिन है. अभी इसमें दो लोग ही बैठे हैं हमारी फैमिली के, हम 7 मेंबर्स हैं. और हम लोग जाने में आपको बताया था केदारनाथ. मैं आपको वहाँ का पूरा दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया और एकदम ही मतलब पूरा वेंटिलेटेड कैबिन है. कुछ भी ऐसा नहीं कि सांस नहीं लिया जा रहा है, कुछ हो रहा है. तो लेट्स सी. सो गाइस ये है हमारा कैबिन, आपको दिखाई दिया. हमने पर्दे हटाए और देखो ये हमारे पीछे कुछ सीट है. यहाँ पे सिंगल है और नीचे उधर इधर ये डबल है. ऐसे ये सिंगल है, हमारी डबल है. नीचे भी सिंगल और इधर डबल. ऐसे ये ऊपर बहुत ही अच्छी लाइटिंग है. और ये देखो वहाँ पे कितना अच्छा है कैबिन.